अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट स्टोरी। नाजरीन, पाकिस्तान की मारूफ तरीन अदाकारा बुशरा अंसारी ने नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल का इतराफ़ करते हुए मदाहों से माफ़ी मांग ली। अतलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों समाजी राबते की वेबसाइट पर लुबना फरियाद ने एक वीडियो पैगाम जारी करके बुशरा अंसारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, जिस पर बुशरा अंसारी ने भी अपनी राय का इज़हार करते हुए वीडियो पर कमेंट किया था। जहाँ बुशरा अंसारी ने अपना कमेंट तो डिलीट कर दिया, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इसके स्क्रीन शॉट समाजी राबते की वेबसाइट पर वायरल हो चुके थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस सूरत हाल को देखते हुए लुबना फरियाद ने एक और वीडियो जारी की, जिसमें इन्होंने बुशरा अंसारी की जानिब से किए जाने वाले तबसरे का तफसील से जवाब दिया। और अभी एक रोज़ कबल बुशरा अंसारी ने तनाज़ा को हल करने के लिए पैगाम जारी किया, जिसमें इन्होंने कहा कि नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल का इतराफ़ करते हुए मदाहों से माफ़ी मांगती। अपने पैगाम में बुशरा अंसारी ने कहा कि फ़नकार, हदायतकार, मुसन्निफ, प्रोड्यूसर तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। वो अपना हर काम दिल से करते हैं क्योंकि अपने हर प्रोजेक्ट को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। पूरी मोहब्बत के साथ इस प्रोजेक्ट को दूसरों के लिए तैयार करते हैं। मारूफ अदाकारा का ये भी कहना था कि जब कोई मेहनत करता है और अगला उसका मजाक उड़ाता है तो बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। काम को पसंद या मुस्तरद करने का हक सबको है, मगर इख्तलाफ़ शाइस्ता ज़ुबान में किया जा सकता है। उनका कहना था कि मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जिस पर मुझे एहसास हो गया, इसलिए मैंने अपनी गलती मान कर उसे डिलीट कर दिया था, मगर सोशल मीडिया पर इस तमाशा बन गया और जंगल की आग की तरह फैल गया। नाज़रीन, बुशरा अंसारी की माफ़ी मांगने पर अम्मा लुबना फरियाद का रद्द अमल भी सामने आ गया है। बुशरा अंसारी की माफ़ी मांगने पर अम्मा लुबना फरियाद ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा कि बुशरा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी गलती कबूल कर ली है। इन्होंने कहा कि आपने कहा कि मैंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं इस बात पर कैसे यकीन कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग और डॉक्टर हजरात जो कि सख्त मेहनत कर रहे हैं, वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा काम इनके लिए तनाव से निजात का बाइस बन रहा है। वो मेरे काम को तफरी के तौर पर पसंद कर रहे हैं। मेरी जुबान किसी के लिए सख्त नहीं है, मैं बस एक पुरमजाक तरीके से तनकीद करती हूँ। लुबना फरियाद ने यह भी कहा कि मैं बोलती हूँ जैसे अम्मा अपने घर में काम करती है। मैं कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी किसी हदायतकार या मुसन्निफ को मेरी तरफ से तकलीफ़ पहुँची तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। नाज़रीन, ये थे अल्फाज अम्मा के जिन्होंने बुशरा अंसारी को अपनी बहन जैसा कहा और उनसे भी कहा कि अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सो ये थी सारी स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।